भारत को लेकर OIC यानी इस्लामिक सहयोग संगठन का हमेशा से ही दोहरा चरित्र रहा है। जहां एक तरफ चीन में उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, इस बात को संयुक्त राष्ट्र जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी मानव अधिकार संस्थाएं लगातार उठाती आ रही हैं। उस पर इस्लाम की बात करने वाला OIC चूं तक नहीं करता, लेकिन भारत के जम्मू कश्मीर और छोटी सी भी सांप्रदायिक हिंसा को लेकर अल्पसंख्यकों की आड़ में बेवजह का शोर मचाकर भारत विरोधी एजेंडा चलाने से बाज नहीं आ रहा। इसी कड़ी में अब OIC ने भारत में राम नवमी की शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा पर बयान दिया है, तो वहीं भारत ने इस पर OIC को जमकर फटकार लगाई है। विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम उनके बयान की कड़ी निंदा करते हैं, ये उनकी सांप्रदायिक मानसिकता और भारत विरोधी एजेंडे का एक और उदाहरण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने OIC द्वारा रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने के बयान की निंदा करते हुए कहा कि OIC केवल भारत विरोधी ताकतों की ओर से प्रभावित होकर ऐसे बयान देकर अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। बता दें कि OIC के सचिवालय ने एक बयान जारी कर कहा था कि रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान भारत के कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया। इस पर भारत ने पलटवार कर उसे आईना दिखा दिया है।